हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन क्लास 7 साइंस। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अभी चैप्टर 6 में पढ़ा स्पीड, टाइम और मोशन के बारे में। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर, जो कि आपका चैप्टर 7 है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मीन्स लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी का रोल बहुत ही ज़्यादा है। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वी कैन सफ़र फ्रॉम मेनी डिफ़िकल्टीज़, बहुत सारी कठिनाई आ सकती है अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। जैसे आप देखिए, आपके घर में बहुत सारे डिवाइसेस हैं, जैसे आपका टेलीविज़न है, प्रेस है, ठीक है, कंप्यूटर आपका जो चल रहा है, ये हम जो आपके सामने जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये जो मोबाइल है, इसको भी चार्ज करने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। घर में आपके फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, ओवन है, आप देखिए तो बहुत ढेर सारे अप्लायंसेस ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिक से रन करते हैं। और बिना इलेक्ट्रिक के समझ लीजिए कि आज इस समय लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ जाएगी, क्योंकि लाइट पे ही सब कुछ डिपेंड हो गया है। आपके घर में जो वाटर की सप्लाई हो रही है, वो भी किस पे डिपेंड है, इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड है। समरसेबल अगर लगा हुआ है, समरसेबल आपके घर में, तो भी इलेक्ट्रिक से चलता है। तो समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। मीन्स विदाउट इलेक्ट्रिसिटी लाइफ विल बी वेरी डिफ़िकल्ट, जो जीवन है वो बहुत कठिन, आज के समय बहुत कठिन महसूस होगा। तो हम लोग पढ़ेंगे आज इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो सबसे पहले बेटा हम लोग देखते हैं करंट, व्हाट इज करंट। आप जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी जब सप्लाई होती है तो उसमें करंट का फ्लो करता है, जो वायर है वायर में करंट फ्लो करता है। तो करंट है क्या, तो इसको हम बोलते हैं द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी ही फ्लो करता है, इलेक्ट्रिसिटी, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड करंट। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी का ये जो फ्लो है, इसी क्या बोलते हैं, हम करंट बोलते हैं। ठीक है, अब करंट फ्लो कैसे करता है, ठीक है, करंट को फ्लो करने के लिए हमको वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है। वोल्टेज क्या है, व्हाट इज वोल्टेज, वोल्टेज क्या है, इट इज जस्ट लाइक अ प्रेशर ऑफ वाटर इन विच वाटर फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जैसे आपके घर में वाटर सप्लाई के लिए, आपने अपने घर में, सबके घर में आप देखे होंगे, ऊपर बड़ी सी टंकी रखी होती है, सिंटेक्स की टंकी या दूसरे कंपनी की टंकी, उसमें पानी भरा होता है और वहाँ से पाइप सिस्टम लगा करके पूरे घर में सप्लाई की जाती है। तो टंकी को भरने के लिए आप सबमर्सिबल का यूज करते हैं। मींस पानी आपका नीचे से ऊपर तब जाता है जब आप सबमर्सिबल चालू करते हैं। सबमर्सिबल चालू करेंगे तो क्या है, सबमर्सिबल में वाटर का प्रेशर ज़्यादा होता है, तो वाटर क्या करेगा, ऊपर आपके टंकी में फिल करना शुरू हो जाता है। मींस नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो करता है। और जब आप सबमर्सिबल बंद कर देते हैं, आपकी टंकी फुल हो जाती है, तो टंकी से फिर आप देखिए जगह जगह कनेक्शन दिया हुआ है पानी का, जैसे किचन में है, लेटरिन में है, बाथरूम में है, और जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ लोग सप्लाई कर देते हैं, टैप लगा देते हैं। तो जब टैप को आप ओपन करते हैं तो वहाँ पानी आना शुरू हो जाता है। ऐसा इसलिए कि जो टंकी में वाटर का प्रेशर है ज़्यादा है और नीचे की तरफ प्रेशर कम है, तो ऊपर से नीचे फ्लो करता है। तो ठीक उसी तरह से वोल्टेज क्या है, इट इज़ द प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का प्रेशर है। तो हम इसको कह सकते हैं इट इज जस्ट लाइक ए प्रेशर। ये क्या है आपका, प्रेशर है, प्रेशर। और प्रेशर जिधर ज़्यादा होगा, मींस वोल्टेज किधर से किधर फ्लो करेगा, फ्रॉम हाई प्रेशर, हाई प्रेशर मींस हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज, हम प्रेशर देख रहे हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, लो वोल्टेज। ठीक है, तो ये जो करंट का फ्लो है, ये जो करंट फ्लो करेगा वो कहाँ से कहाँ करेगा, किधर से किधर,
हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ। तो वोल्टेज क्या है, इट इज जस्ट लाइक प्रेशर ऑफ वाटर थ्रू विच द वाटर फ्लो फ्रॉम ग्रेटर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो उसी तरह से वोल्टेज क्या है, इट इज जस्ट लाइक द प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रेशर मीन्स वोल्टेज जिधर हाई रहेगा, हाई से लो की तरफ क्या होगा, आपका करंट का फ्लो करता है, करंट फ्लो करेगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट इज द सोर्सेस ऑफ करंट, ये करंट का सोर्स क्या है, आपके घर में जो सप्लाई आती है उसका सोर्स क्या है, सोर्सेस ऑफ करंट, करंट के सोर्सेस कौन कौन से हैं। तो करंट के दो सोर्स होते हैं, एक तो होगा आपका, दो तरह का सोर्स है, एक है आपका इलेक्ट्रिक सेल, एक है इलेक्ट्रिक सेल ये एक सोर्स है, और दूसरा जो सोर्स है वो मेंस है, MAINS मेंस। अब देखिए जो इलेक्ट्रिक सेल है ये भी क्या है, इट इज़ अ सोर्स ऑफ करंट। तो जो सिंगल सेल होगा, ये जो सेल है इट प्रोवाइड्स, एक सिंगल सेल कितना वोल्टेज प्रोवाइड करेगा, 1.5 वोल्ट, और ये जो मेंस होता है ये 220 वोल्ट की सप्लाई करता है। मीन्स इलेक्ट्रिक सेल कितने करंट की, कितने वोल्टेज की करंट, मैं आपको बता दूं, ये जो इसका यूनिट है, करंट का जो यूनिट है, यूनिट ऑफ करंट, करंट की जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट, क्या होती है, वोल्ट। तो जो इलेक्ट्रिक सेल है वो कितने वोल्ट की सप्लाई करता है करंट के, 1.5 वोल्ट करंट की सप्लाई करता है सिंगल सेल। और जो मेंस होते हैं, मेंस में जहाँ से हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, इलेक्ट्रिक की जहाँ सप्लाई है, क्योंकि हमने कोई सेल या बैटरी नहीं लगाया, हमने कनेक्शन लिया है बिजली का, आपने कनेक्शन लिया है, वो बिजली का कनेक्शन हमने जो लिया है तो उसमें करंट कहाँ से आता है, मेंस से आता है, वहाँ कोई सेल नहीं है। तो ये सिंगल सेल है, सिंगल सेल का वोल्ट कितना होता है, 1.5 वोल्ट। अगर हम दो सेल ऐड कर दें, सेल 1 प्लस सेल 2, तो अगर दोनों को हम दो सेल या दो से अधिक सेल, दो सेल या दो से अधिक सेल को अगर हम ऐड कर दें, कनेक्ट कर दें, तो उसको हम बोलते हैं बैटरी, क्या बोलेंगे, बैटरी। तो बैटरी क्या है, बैटरी इज द सम ऑफ टू आर मोर देन टू सेल्स, ठीक है। तो सेल और बैटरी में ही डिफरेंस है, सेल क्या है, सिंगल सेल होता है, सिंगल होगा, सिंगल सेल होता है, उसका जो सप्लाई होता है करंट का कितना होता है, 1.5 वोल्ट का। और बैटरी की क्या होगी, जब भी वोल्टेज की सप्लाई होगी क्या होगी, ग्रेटर देन 1.5 वोल्ट। तो अब सपोज करिए हमने दो सेल ऐड कर दिया, तो इसका वोल्ट कितना हो जाएगा, 1.5 वोल्ट, इसका भी कितना होगा, 1.5 वोल्ट, टोटल ऐड कर देंगे तो कितना हो गया, 3 वोल्ट। ये 3 वोल्ट की बैटरी मिल गई बाई एडिंग टू सेल, 3 सेल को ऐड करेंगे तो वोल्टेज और बढ़ जाएगा। इसी तरह से अगर हम फोर सेल को अगर कनेक्ट कर दें तो जो बैटरी बनेगी वो कितने वोल्ट की सप्लाई करेगी, 6 वोल्ट की सप्लाई करेगी। इज इट क्लियर टू ऑल, आई थिंक इज इट क्लियर, इट इज़ क्लियर, ठीक है। तो बैटरी क्या होता है, अब हम आपको दिखाते हैं कि जैसे बल्ब को, अगर हमको बल्ब को ग्लो कराना है तो क्या करते हैं, हम क्या लेंगे, जैसे एक बल्ब लिया और इस बल्ब को क्या करें, दो सेल से ऐड करेंगे तो बल्ब क्या करेगा, ये ग्लो करना शुरू कर देगा, ठीक है, ग्लो ब्राइटली, ठीक है। दो सेल से हमने एक बल्ब को कनेक्ट कर दिया तो ये ग्लो करना शुरू कर दिया और ब्राइटली ग्लो करता है। लेकिन अगर हम 6 वोल्ट की बैटरी से ऐड कर दें, 3 वोल्ट की बैटरी से ऐड किया, इट ग्लो ब्राइटली, और अगर हम 6 वोल्ट की बैटरी से ऐड कर देंगे तो इस बल्ब में क्या चेंज आएगा, इट विल अगेन ग्लो मोर ब्राइटली, मीन्स और तेज़ी से ये ग्लो करने, इसकी चमक क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इसकी लाइट क्या होगी, बढ़ जाएगी, और ज़्यादा ग्लो करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये तो हो गया
ऐसा क्यों होता है? इसका ग्लो क्या है? कम है, इसका ग्लो ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो वोल्टेज की सप्लाई हम दे रहे हैं बल्ब को, यहाँ जो बल्ब की सप्लाई दे रहे हैं वो लो वोल्टेज की दे रहे हैं, लो वोल्टेज है, लेकिन यहाँ पर जो हम सप्लाई कर रहे हैं हाई वोल्टेज है। मीन्स अगर हम वोल्टेज बढ़ा देंगे तो फ्लो ऑफ करंट बढ़ जाएगा, फ्लो ऑफ करंट क्या होगा, बढ़ जाएगा, जिससे ये जो बल्ब है उसका जो ब्राइटनेस है वो इनक्रीज कर जाएगा। जो कम ब्राइट था पहले, कम वोल्टेज पर जो ब्राइटनेस थी वो कम थी, हाई वोल्टेज पर ब्राइटनेस और ज़्यादा हो गई। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट, CIRCUIT, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट है क्या? तो स्टूडेंट जो इलेक्ट्रिक सर्किट है इट इज़ एक्चुअली द पाथ थ्रू विच करंट फ्लो, एक ऐसा पाथ जिससे करंट फ्लो करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। मीन्स पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए एक पाथ चाहिए और उसी इलेक्ट्रिक करंट का जो पाथ है इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। सपोज करिए हमको एक बल्ब इलेक्ट्रिक सप्लाई करना है, किसमें, बल्ब में इलेक्ट्रिसिटी की। तो इस तरह से ये जो हम मैं बना रहा हूँ ये एक सेल, सेल का, सेल को बनाने के लिए एक लंबी लाइन खींचते हैं और उसके बगल में एक पैरेलल छोटी लाइन खींचते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, इस सेल से वायर से कनेक्ट करेंगे सेल को और यहाँ एक बल्ब लगा देते हैं। ये बल्ब का जो सिंबल है ये इस तरह से होता है, दिस इज़ द सिंबल ऑफ बल्ब, दिस इज़ द सिंबल ऑफ सेल एंड दिस इज़ द सिंबल ऑफ वायर। ये आपका क्या है, ये वायर है, वायर। ये क्या है आपकी, आपका ये सेल है और ये आपका बल्ब है, ठीक है। तो इस तरह से हम अरेंज करते हैं कि ये जो सेल है, सेल के टू टर्मिनल्स, दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो ये जो लंबी लाइन है ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये छोटी लाइन जो है वो निगेटिव टर्मिनल है। तो एक वायर हम क्या करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, दूसरा वायर निगेटिव टर्मिनल से, और दोनों वायर ले आ करके इस बल्ब से हम क्या करते हैं, बल्ब के भी दो टर्मिनल होंगे, बल्ब के भी टू टर्मिनल्स होंगे, इसको भी हम क्या करते हैं, इसको प्लस से और इसको माइनस से इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। अब क्या करेगा, ये करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। जैसे ही करंट फ्लो करेगा ये क्या करेगा, बल्ब इट ग्लो ब्राइटली, ठीक है। तो यही जो डायग्राम है, यही जो डायग्राम है या ये जो पाथ है, ये जो रास्ता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। अब ये बल्ब क्या कर रहा है, इसमें ग्लो कर रहा है, इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड सर्किट। क्या बोलेंगे, ये है आपका क्लोज्ड सर्किट, ठीक है, दिस इज अ क्लोज सर्किट। इसी तरह से अगर हम ये जो सर्किट है इस सर्किट में कहीं से भी इसके वायर को ब्रेक कर दें, यहाँ सपोज करिए हमने इस वायर को ब्रेक कर दिया, ब्रेक कर दिया, तो अब ये जो ग्लो कर रहा था बल्ब अब ये ग्लो नहीं करेगा और उस समय इस सर्किट को हम क्या बोलेंगे, ओपन सर्किट। अब ये क्या हो जाएगा आपका, ओपन सर्किट। तो इस तरह से दो तरह के सर्किट होते हैं, ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट, ठीक है। अब आप देखिए नेक्स्ट आता है पार्ट्स ऑफ, पार्ट्स या आप कह सकते हैं कंपोनेंट्स, पार्ट्स आर कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, मींस या इलेक्ट्रिक सर्किट, CIRCUIT, ठीक है। पार्ट्स कौन कौन से होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के, तो अब आप देखिए यही जो हमने अरेंजमेंट किया है इसी को हम बोलते हैं पार्ट ऑफ सर्किट। अब आपको मैंने ये बताया कि इस वायर को अगर हम कनेक्ट कर देंगे तो ये क्लोज सर्किट हो जाएगा और ये बल्ब ग्लो करेगा, ठीक है। तो और अगर इसको ब्रेक कर दिए तो ये ओपन सर्किट हो गया। तो क्लोज और ब्रेक करने के लिए भी एक डिवाइस आता है जिसको हम बोलते हैं स्विच।
जिसको क्या बोलते हैं, स्विच। अब यहाँ स्विच के लिए हम इस तरह से एक सिंबल बनाते हैं, ये देखिए आपका क्या हो गया, ये स्विच हो गया, स्विच, ठीक है। ये स्विच हमने क्या किया, ऑफ कर दिया है, ये ऑफ पोजीशन में है, ये ऑफ पोजीशन में है, ये स्विच क्या है, ऑफ है, ऑफ है तो ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हम इसको ऑन कर दें, मीन्स इसको क्या करें, ऐसे प्रेस करें नीचे की तरफ, इसको नीचे की तरफ प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये जो स्विच है ये आके यहाँ टच हो जाएगा, ये ऐसे ये इस पर टच हो गया। अब ये स्विच किस कंडीशन में है, ऑन कंडीशन में है। अब ये बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा, और ये कौन सा सर्किट हो जाएगा, क्लोज सर्किट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्लोज सर्किट। तो आप देखिए टोटल कंपोनेंट्स अगर हम देखें तो कौन कौन से हुए, एक तो आपका हो गया सेल, जो पहला कंपोनेंट है आपका ये क्या है, सेल। दूसरा कंपोनेंट आप देखिए ये वायर है, दिस इज द वायर, वायर। तीसरा कंपोनेंट बात कर ले हम तो बल्ब है, और फोर्थ कंपोनेंट आपका क्या है, ये स्विच है। सेल क्या है, इट इज द सोर्स, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेल क्या है आपका, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। वायर क्या है, वायर क्या है, इट इज ए कंडक्टर। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक को कंडक्ट कौन करेगा, वायर करता है, इसलिए क्या है आपका, कंडक्टर है। मीन्स इसी वायर के थ्रू होकर के इलेक्ट्रिक क्या करेगा, फ्लो करेगा, कंडक्ट करेगा। तीसरा है आपका बल्ब, बल्ब क्या है, इट इज डिवाइस, ये आपका इलेक्ट्रिक डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, क्योंकि इसी बल्ब को ग्लो करने के लिए ही हमने ये पूरा सर्किट अरेंज किया हुआ है। और स्विच भी क्या है, इट इज आल्सो अ डिवाइस, और इसका यूज मैंने आपको बता दिया है, स्विच का डिवाइस, जो स्विच डिवाइस है उसका क्या यूज है, कि स्विच को ऑन और ऑफ करते हैं तो ये जो सर्किट है वो क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट में कन्वर्ट होता है। मीन्स जब हम ऑन कर देंगे तो ये क्लोज सर्किट हो जाएगा, इसको ऑफ करेंगे स्विच को तो ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। तो यहाँ तक तो बात हो गई सर्किट के बारे में। अब हम लोग देखते हैं सिंबल्स, कुछ सिंबल्स भी होते हैं। वैसे तो मैंने यहाँ आपको सिंबल बता दिया है, फिर भी आप अलग से देख लीजिए कि सिंबल क्या है। सिंबल ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ सर्किट, सिंबल ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ सर्किट, ठीक है। तो कंपोनेंट तो मैंने आपको यहाँ बता दिया कि सेल होते हैं, वायर होता है, बल्ब होता है, स्विच होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेल, सेल का सिंबल क्या होगा। सेल का सिंबल मैंने आपको बताया था कि दो पैरेलल लाइन खींचते हैं, एक बड़ी लाइन और दूसरी छोटी लाइन। छोटी लाइन निगेटिव टर्मिनल है और बड़ी लाइन आपकी क्या है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। और इसके बाद कभी कभी क्या है, बैटरी, हम लोग बैटरी का यूज करते हैं, बैटरी ऐड करते हैं। तो बैटरी क्या है, बैटरी क्या है, इट इज़ द सम ऑफ टू आर मोर देन टू सेल्स, मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज नोन एज बैटरी। मीन्स हमको क्या करना है, सेल को कंबाइन करना है। तो सपोज करिए अगर हमने दो सेल ले लिया, एक ये हो गया, दोनों सेल को ऐड कर दें, ये और ये, ये दो सेल, ये दोनों सेल क्या है, कंबाइंड कर दिए गए हैं, ये ऐसे इस तरह से, ठीक है। ये यहाँ हमको लगाने की जरूरत नहीं, दो सेल है, ये दो सेल, एक सेल ये है, एक दूसरा सेल ये है, दोनों कंबाइन कर दिए तो बैटरी का सिंबल हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वायर, वायर का सिंबल क्या है, सिंपली हम एक लाइन ऐसे खींचते हुए वायर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको जहाँ मोड़ना होगा बिल्कुल इस तरह से बेंट करके ऐसे हम मोड़ते जाते हैं, तो एक लाइन, लंबी लाइन जो खींचेंगे वो वायर का सिंबल हो गया। इसी तरह से बल्ब का हम लोग देख लेते हैं, बल्ब का सिंबल क्या होगा, बल्ब का क्या करते हैं, एक बड़ा सा गोला बनाते हैं और इस तरह से ऐसे इसके अंदर क्वाइल बना करके, ये दिस इज द बल्ब, ये क्या है आपका, बल्ब का सिंबल हो गया। अब क्या बचता है, स्विच, स्विच का सिंबल देखें हम, स्विच के लिए देखिए दो तरह का स्विच होता है, एक होता है ऑन पोजीशन में और दूसरा होगा ऑफ पोजीशन में। तो अगर इस तरह से हमने बना दिया,
ये ऑफ पोजीशन में, ये कौन सा स्विच है, स्विच जब ऑफ पोजीशन में होगा तो इस तरह से, और ऑन पोजीशन में जो बनाते हैं ये ऐसे, ये ऐसे, और यहाँ ले आकर के इसको टच करा देते हैं, दिस इज द ऑन। तो ये आपका हो गया स्विच, मींस इसको हम बोलते हैं ओपन स्विच, इसको क्या बोलेंगे ओपन, और इसको क्या बोलेंगे क्लोज्ड। ओपन सर्किट में, सॉरी उल्टा हो गया, ये ओपन तो आपका ये है, ये ओपन सर्किट के लिए है, और ये क्या है आपका क्लोज सर्किट के लिए। स्विच का जो सिंबल होगा वो इस तरह से हम यूज करेंगे, क्लोज सर्किट बनाना है तो जो स्विच बनाएंगे हम इस तरह सिंबल यूज कर लेंगे, ओपन सर्किट के लिए ये जो स्विच का सिंबल है इसका हम यूज करते हैं, ठीक है। तो अब thank you.